नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, खुशहाल रहें, चिंता ना करें, चिंता से कोई समस्या का हल नहीं होता है। साथियों, शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लड़ाई झगड़ा क्या है और इससे क्या लाभ मिलता है। और वही जो नासमझ व्यक्ति हैं, लड़ाई झगड़े के अंदर कूद जाते हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, जहाँ तक हो सके आप जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट से बचें और अपने को सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटापा रोग, यह एक ऐसा रोग है जो कि खान पान के द्वारा भी और कई तरह के कारणों से यह मोटापा होने लगता है। चर्बी बढ़ जाती है तो मोटापा आने लगता है और मोटापे व्यक्ति को दौड़ने में, चलने में परेशानियां होती है। तो आज हम इस मोटापे को कम करने के लिए एक घरेलू, सहज, आसान और कारगर उपाय बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना मोटापा को कम करें तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पहले भी मैंने कई जो है मोटापा दूर करने का वीडियो दिया हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आपको मूली लेना होगा और नींबू और थोड़ी सी नमक। तो चलिए, नमक से सभी लोग परिचित हैं, वही नमक जो हम लोग रात दिन दाल में, सब्जी में डाल के खाते हैं। तो चलिए, हम आपको मूली दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आपको ऐसे मूली लेना होगा। और इसका रस निकालना होगा। और नींबू से सभी लोग परिचित हैं, तो नींबू लेना होगा, इसका भी रस निकालना होगा। अब हम आपको इसका सेवन विधि बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मूली का रस अपने आवश्यकता अनुसार मूली का रस निकाल लें और नींबू का रस निकालकर उसमें मिला दें और थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रयोग को नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए और खाली पेट लेने से और जो है कारगर हो जाता है। और ध्यान दें खान पान के तरफ और सुबह के समय व्यायाम करें ताकि चर्बी जल्दी सूखने लगे। तो दोस्तों, ये रही मोटापा दूर करने का एक आसान, सहज, घरेलू नुस्खा। आप इसे करें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूंगा और आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।